नमस्तुभ्यं पर्दे काम रूपिणी विद्यारूपं करिष्यामि सिद्धिर् भवति मे सदा। आज हम लोग पिछली क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने देख लिया था कि किस तरीके से इंटरवल लिखते हैं, कहाँ पर इक्वल टू होता है तो उस पर हम कौन सा इंटरवल यूज करते हैं, इन इक्वल टू नहीं होता है तो वहां पे कौन सा इंटरवल यूज करते हैं, और इन इक्वालिटी के एक या दो क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में सॉल्व किए थे। आज उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और इन इक्वालिटी के और कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। पिछली क्लास में हमने जो भी इन इक्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व किए थे उन क्वेश्चन में केवल हमारे पास एक फैक्टर था, हम लोगों ने केवल एक फैक्टर का यूज किया था। अब हम लोग आज की क्लास में सॉल्व करेंगे, अगर उसमें एक से ज्यादा फैक्टर्स होंगे तब इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन है x प्लस वन इंटू टू एक्स माइनस फाइव ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। तो जैसा हमने आपको बताया था कि आप लोगों को क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी है, एक तो जो भी हाईएस्ट पावर दिखाई दे, तो यहाँ पे देखो दो फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, इसमें हाईएस्ट पावर वन है, यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर वन है, तो आपको देखना होगा कि जितने भी फैक्टर्स दिखाई दे हर एक फैक्टर में हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव हो। तो यहाँ पर देख लो कि एक्स का कोफिशिएंट वन है पॉजिटिव है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट टू है पॉजिटिव है। फिर उसके बाद हम लोग इस एक्सप्रेशन को यानी इन फैक्टर्स को जीरो के एक पर पुट करके x की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। तो जब आप यहाँ पे इसको इक्वल टू जीरो करोगे तो देख सकते हो कि x की दो वैल्यू जाएंगी, एक वैल्यू आएगी माइनस वन और दूसरी वैल्यू आ जाएगी फाइव बाई टू। फिर आप लोग एक रियल लाइन ड्रॉ करिए, रियल लाइन पर इन पॉइंट्स को पुट कर दीजिए। तो माइनस वन छोटा है तो वो पहले आएगा, फाइव बाई टू वैल्यू बड़ी है तो ये बाद में आएगी। और फिर जैसा हमने आपसे कहा था कि आप इसके बाद जब इन पॉइंट्स को पुट कर लोगे तो एक कर्व ड्रॉ करोगे जिसको बेबी कर्व कहेंगे, और इस कर्व को हमेशा राइट मोस्ट से स्टार्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे 5 बाई 2 के राइट से कर्व आएगा, पहले ये पॉजिटिव रहेगा फिर नीचे जाएगा, लेकिन देखो फिर नंबर है तो फिर ऊपर आएगा, इसका कोई नंबर नहीं है तो ये कर्व ऊपर ही रह जाएगा, जितना पोर्शन ऊपर है वहां पे प्लस और जो नीचे वहां पे माइनस। ध्यान दीजिएगा कभी किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन ना हो, ये जो प्लस माइनस और प्लस हैं, ये प्लस माइनस प्लस एक्स के लिए नहीं है, इस पूरे एक्सप्रेशन के लिए है। यानी ये पूरा एक्सप्रेशन एक्स प्लस वन इंटू टू एक्स माइनस फाइव, ये पूरा एक्सप्रेशन यहां पे पॉजिटिव है, यहां पर निगेटिव है और यहां पर फिर से पॉजिटिव है। चलो भाई उसके बाद देखते हैं कि हमारी इनइक्वालिटी क्या सॉल्व करने के लिए है। तो हमारी इनइक्वालिटी कह रही है कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो सॉल्व करिए। ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो मतलब पॉजिटिव, तो आप देखो प्लस साइन कहां कहां पर लगा है, तो प्लस साइन एक इस इंटरवल में यूज हुआ है, दूसरा इस इंटरवल में यूज हुआ है। ये वाला इंटरवल कहां से कहां तक है, तो जैसा कि आपको मालूम है कि ये वाला इंटरवल जो है वो माइनस इंफिनिटी से लेके कहां तक है, माइनस वन तक, ये वाला इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन, माइनस इंफिनिटी पे ओके माइनस बाद यूज करेंगे यहां पर देखकर। सिमिलरली ये वाला इंटरवल कहां से कहां था, 5 by 2 to infinity। चलो भाई अब हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं, तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, x belongs to minus infinity to minus 1 union 5 by 2 to infinity। अब माइनस वन और फाइव बाई टू पर हम कौन सा इंटरवल यूज करेंगे, उसके लिए हम लोग चेक करेंगे कि यहां पर इनइक्वालिटी का कौन सा सिंबल यूज हुआ है। तो देखो यहां पर यूज हुआ है ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू में हम इंक्लूड करते हैं, और जब इंक्लूड करते हैं तो कौन सा इंटरवल आता है, कौन सा ब्रैकेट आता है, स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहां पर क्या यूज किया जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट, यहां पर भी क्या यूज होगा, स्क्वायर ब्रैकेट। तो इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन हो गया x belongs to minus infinity to minus 1 union 5 by 2 to infinity। चलिए नेक्स्ट देखिए, हमें सॉल्व करना है x minus 5 into 5 माइनस 3x ग्रेटर देन जीरो।
सबसे पहले आप चेक करो कि जो भी हाईएस्ट पावर दिख रही है उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है कि नहीं है। तो देख सकते हो कि यहां पर एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है लेकिन यहां पर नहीं है, तो यहां पर आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हमने क्या बताया था, माइनस से मल्टीप्लाई करना। उसमें भी आपको याद होगा हमने बताया था कि अगर एक माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, दो से करोगे तो रिवर्स नहीं होगी, तीन से करोगे तो रिवर्स होगी, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अगर नेगेटिव साइन यूज करोगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, और इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर नेगेटिव साइन यूज करोगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी। तो यहां पर आपको केवल इस वाले फैक्टर में इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव करना है, तो इसका मतलब एक नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब एक नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो देखो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, एक्स माइनस फाइव इंटू थ्री एक्स माइनस फाइव, ये माइनस हो गया प्लस हो गया और ये इनइक्वालिटी यहां पे रिवर्स हो गई लेस देन जीरो। अब एक्स के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो पॉजिटिव हो गए, तो फिर अगला स्टेप होता है कि आप पॉइंट फाइंड करें। तो देखो यहां पे कौन कौन से पॉइंट आएंगे, एक्स इक्वल टू फाइव आएगा और एक्स इक्वल टू फाइव बाई थ्री आएगा, दो पॉइंट आएंगे जिसमें आप देख लो कि 5 by 3 less value है और 5 greater value, तो 5 by 3 put कर दिया गया, 5 put कर दिया गया। फिर आप लोग जैसा बताया कि right most से start करोगे, यानी right most से start कर दिया, यहाँ पे plus, यहाँ पे minus, यहाँ पे plus। अब देखो हमें inequality में क्या देखना है, तो inequality कह रही है कि less than zero, यानी negative sign देखना है। तो देख लो negative sign यहाँ पर है, ये वाला इंटरवल 5 by 3 से स्टार्ट हो रहा है, 5 पर खत्म हो जा रहा है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x belongs to 5 by 3 to 5। फिर यहां पर हम लोग कौन सा ब्रैकेट यूज करें, तो उसके लिए यहां पर चेक करेंगे, यहां पर हमने देखा कि क्या यूज हो रहा है, लेस देन मतलब इक्वल टू नहीं है, तो इंक्लूड नहीं करना है। जब इंक्लूड नहीं करना होता है तो कौन सा इंटरवल आता है, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल के लिए कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, तो यहां पर भी स्मॉल और यहां पर भी स्मॉल, तो आंसर हो गया x belongs to 5 by 3 to 5। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखो मान लो हमें सॉल्व करना है 2x plus 1 into x minus 5 into 3x minus 2 greater than 0। अब यहां पे तीन फैक्टर हो गए, चाहे जितने फैक्टर्स हो जाए उससे हमें कोई टेंशन नहीं लेनी है, जितने फैक्टर्स होंगे उतने पॉइंट्स हमको मिल जाएंगे। आप यहां पे देख सकते हो कि x की कौन कौन सी वैल्यू जाएंगी, तो एक वैल्यू आ जाएगी माइनस वन अपॉन टू, एक वैल्यू आ जाएगी फाइव और एक वैल्यू आ जाएगी टू बाई थ्री। आप इन नंबर्स को रियल लाइन पर इनके ऑर्डर में पुट कर दो, सबसे छोटी वैल्यू है माइनस वन बाई टू, फिर उससे बड़ी वैल्यू है टू बाई थ्री और फिर उससे बड़ी वैल्यू है फाइव। फिर कर्व ड्रॉ करो जैसा कि मालूम है कि राइट मोड से स्टार्ट करना है, ये इस तरीके से ड्रॉ हो गया, यहां पे पहले प्लस, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस और यहां पे माइनस। फिर आप देखो कि हमें कौन सा सोल्यूशन चाहिए, तो हमें चाहिए ग्रेटर देन, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन देखो कहां कहां पे है, तो एक प्लस साइन यहां पे है और दूसरा प्लस साइन यहां पे है। ये वाला इंटरवल माइनस वन बाई टू से स्टार्ट हो रहा है, टू बाई थ्री पे खत्म हो रहा है, ये इंटरवल फाइव से स्टार्ट हो रहा है और इंफिनिटी पे खत्म हो रहा है। तो देखो आंसर हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन बाई टू कॉमा टू बाई थ्री। देख सकते हो कि यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं है, यानी ओपन इंटरवल यूज होगा, यहां पर भी ओपन और यहां पर भी ओपन। यूनियन ये वाला इंटरवल देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है, फाइव से, कहां पे खत्म हो रहा है, इंफिनिटी पे। इंफिनिटी पे तो ओपन करना ही है, फाइव पर भी क्या होगा, ओपन, क्योंकि यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं है, इंक्लूड नहीं करना है। फिर से एक बार बोल रहा हूं ध्यान रखना कि ये जो प्लस माइनस यूज होते हैं वो एक्स की वैल्यूज के लिए यूज नहीं होते हैं, ये प्लस माइनस किसके लिए हैं, इस पूरे पूरे फैक्टर के लिए। वैसे तो देखो इन सर्किट इंटरवल में भी एक्स की वैल्यू 2 बाई 3 से 5 तक है, तो एक्स तो पॉजिटिव है, लेकिन ये सॉल्यूशन में नहीं आ रहा है क्योंकि हम यहां पर एक्स का साइन नहीं चेक करते हैं, किसका साइन चेक करते हैं, इस पूरे पूरे एक्सप्रेशन का। मतलब क्या है कि x की कोई भी वैल्यू अगर इस इंटरवल से लेंगे और इसको लास्ट यहां पे पुट करेंगे, तो पुट करने पर ये टोटल वैल्यू उनको कैसी मिलेगी, पॉजिटिव। जैसे देख सकते हो
माइनस वन बाई टू और टू बाई थ्री के बीच में जीरो पड़ेगा, जीरो पुट करके देखो यहाँ पे, जीरो यहाँ पुट करोगे वैल्यू वन, यहाँ पे जीरो पुट करोगे माइनस फाइव, यहाँ पे जीरो पुट करोगे माइनस टू, तो वन इंटू माइनस फाइव इंटू माइनस टू टेन हो गया, टेन वैल्यू पॉजिटिव है। तो ये जो इनइक्वालिटी या सॉल्यूशन जो लिखते हो वो किसका साइन लिखते हो, इस पूरे पूरे एक्सप्रेशन का। कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ये मत सोचने लगना कि x की वैल्यू हम देख रहे हैं तो यहां पर ये x का साइन देखा जा रहा है, x का साइन नहीं देखा जा रहा है, किसका साइन देखा जा रहा है, इस पूरे पूरे एक्सप्रेशन का। चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं, 3 माइनस एक्स 5 माइनस टू एक्स एक्स माइनस सेवन लेस देन आर इक्वल टू जीरो। जैसा कि आपको मालूम है इस चीज को बिल्कुल मिस नहीं करना है। सबसे पहला स्टेप होगा कि जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। देख सकते हो यहां पर कोफिशिएंट नेगेटिव है, यहां पर भी कोफिशिएंट नेगेटिव है, लेकिन यहां पर पॉजिटिव है। तो इन दो नेगेटिव्स को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें कितने माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दो माइनस से, एक माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा और एक माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो इसका साइन चेंज होगा और इसका भी साइन चेंज होगा। जब हम दो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी कि रिवर्स हो जाएगी, सेम रहेगी। तो यहां पर देखो दो माइनस से मल्टीप्लाई किया गया तो ये हो गया एक्स माइनस थ्री, ये आपका हो गया टू एक्स माइनस फाइव, ये एक्स माइनस सेवन ही रहा और नो चेंज, यहां पर ध्यान रखिएगा नो चेंज। क्यों चेंज नहीं हुआ? क्योंकि यहां पर हमने दो माइनस से मल्टीप्लाई किया है, जब दो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। अब उसके बाद आप पॉइंट फाइंड कर लो, तो यहां पे कौन कौन से पॉइंट्स मिल रहे हैं, एक पॉइंट मिल रहा थ्री, दूसरा पॉइंट मिल रहा फाइव बाई टू, तीसरा पॉइंट मिल रहा सेवन। आप इनको पुट कर लो, सबसे छोटा पॉइंट है फाइव बाई टू, उससे बड़ा पॉइंट है थ्री और सबसे बड़ा पॉइंट है सेवन, प्लस माइनस प्लस माइनस, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मतलब माइनस साइन देखना होगा। तो माइनस साइन आप देख रहे हो कि यहां पर यूज हो रहा है, माइनस साइन यहां पर यूज हो रहा है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ये वाला इंटरवल कहां से स्टार्ट हो रहा है, माइनस इनफिनिटी से, कहां पे खत्म हो रहा है, फाइव बाई टू पर, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी टू फाइव बाई टू, माइनस इनफिनिटी पर ओपन, क्योंकि यहां पर इक्वल टू का साइन यूज हो रहा है तो फाइव बाई टू पे क्लोज्ड। यूनियन इस वाले इंटरवल में प्लस साइन है, ये इंटरवल कहां से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी माइनस साइन देखना है, माइनस साइन देखना है, इस इंटरवल में माइनस साइन है, ये इंटरवल कहां से स्टार्ट हो रहा है, थ्री से, कहां पे खत्म हो रहा है, सेवन पर, यूनियन थ्री टू सेवन, क्योंकि इक्वल टू का साइन यूज हो रहा है तो इंक्लूड करना पड़ेगा, थ्री पर भी क्लोज और सेवन पर भी क्लोज्ड। तो सॉल्यूशन हो गया x ब्रांच टू माइनस इनफिनिटी टू फाइव बाई टू यूनियन थ्री टू सेवन। चलो नेक्स्ट देखो, देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उन सारे क्वेश्चंस में आपने देखा कि जो भी हम फैक्टर्स ले रहे हैं वो सारे के सारे फैक्टर्स न्यूमरेटर में रहते हैं, और वहां पर जब न्यूमरेटर में रहते हैं तो उसका तरीका हमने बता रखा है कि आप चेक कर लोगे कि इक्वल टू है या नहीं है, उसी बेसिस पर आप वहां पर ओपन या क्लोज इंटरवल यूज कर लेते हो। लेकिन क्वेश्चंस आपको एग्जाम में ऐसे भी मिलेंगे जहां पर फैक्टर्स न्यूमरेटर में भी हो सकते हैं और डिनोमिनेटर में भी हो सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो मान लो मुझे क्वेश्चन दिया गया है x प्लस वन टू एक्स माइनस फाइव अपॉन एक्स प्लस टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। तो पहले देखिएगा, ये गलती मत करिएगा कि आप जो है इस x प्लस टू को उधर मल्टीप्लाई कर दिए जीरो से और आपने कहा कि ये क्वेश्चन हो गया x प्लस वन इंटू टू एक्स माइनस फाइव ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इन जनरल अगर हम बोलेंगे तो नहीं होता है। हम ये क्यों कह रहे हैं, सीधे सीधे ऐसा क्यों नहीं कह दे रहे हैं कि इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है? होता है कुछ जगहों पर इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, लेकिन वो तब होता है जब हमें उस पूरे
एक्सप्रेशन का साइन मालूम हो। अभी हम ऐसे भी एग्जांपल लेंगे जहां पर आपको दिखाएंगे कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाओगे, लेकिन अभी फिलहाल आज की क्लास में आप ये मान के चलो कि हम इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे। कुछ स्पेशल केसेस होंगे जो हम आपको आगे बताएंगे, केवल उन्हीं केसेस में आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। तो यहां पर आप लोग ये गलती मत करना कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको इधर जीरो से मल्टीप्लाई कर लेके आपने इनइक्वालिटी को चेंज कर लिया। जिस फॉर्म में लिखी गई इनइक्वालिटी आप बिल्कुल उसी तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। फैक्टर न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो आप उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कोफिशिएंट्स को चेक करेंगे कि कोफिशिएंट पॉजिटिव है या नहीं है, जैसे यहां पर आप देख रहे हो कि हर एक जगह पर पॉजिटिव है। उसके बाद आप x की वैल्यू सॉल्व कर लोगे सब फैक्टर को अलग अलग जीरो करके, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। इसको जीरो करोगे -1 5/2 और डिनोमिनेटर वाले को जीरो करोगे तो -2। ये जो तीन पॉइंट मिले हैं आप इन तीनों पॉइंट को रियल लाइन पर ऑर्डर में पुट कर लो। -2 सबसे छोटी वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू -1 और सबसे बड़ी वैल्यू 5/2। यहां पर आप वैसे ही कर्वड़वा कर लीजिए, ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस। अगर ये फैक्टर्स न्यूमरेटर में होते तो जो अभी हम आपको बताते चले आ रहे हैं कि आप यहां पर इक्वल टू चेक करते कि इक्वल टू है या नहीं है, होता तो क्लोज कर देते, नहीं होता तो ओपन कर देते। लेकिन अगर फैक्टर डिनोमिनेटर में हो जाए तो उस केस में ध्यान रखिएगा कि जो फैक्टर डिनोमिनेटर में है, यहां पर ये x प्लस 2 डिनोमिनेटर में है यानी -2, तो डिनोमिनेटर में कभी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है। और इसका मतलब है कि अगर x की वैल्यू हम -2 ले लेंगे तो x की वैल्यू -2 यहां पुट करने पर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा और डिनोमिनेटर में जीरो नहीं लिया जाता है। इसलिए आप लोग -2 पर हमेशा ओपन इंटरवल यूज करेंगे, चाहे यहां पर इक्वल टू का साइन हो या ना हो। नहीं होता तब तो आप सभी जगह पर ओपन करते, लेकिन यहां पर इक्वल टू का साइन है इसलिए आप -1 पे क्लोज करेंगे, इसमें क्लोज, 5/2 पे क्लोज, इन दोनों पे क्लोज इंटरवल यूज करेंगे। लेकिन -2 पर, क्योंकि ये फैक्टर डिनोमिनेटर से आया है इसलिए x की वैल्यू -2 नहीं हो सकती है, इसलिए -2 पर हमेशा क्या यूज करेंगे, ओपन इंटरवल। तो ध्यान रखिएगा अगर कोई फैक्टर डिनोमिनेटर में है, इनइक्वालिटी में चाहे इक्वल टू का साइन आ रहा हो या ना रहा हो, डिनोमिनेटर वाले फैक्टर से जो x की वैल्यू मिलेगी उस पर हमेशा कौन सा इंटरवल आएगा, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब कौन सा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। तो यहां पे जब आप सॉल्यूशन लिखोगे तो क्या सॉल्यूशन लिखोगे, x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन 0, यहां पे प्लस है यहां पे प्लस है, ये इंटरवल -2 से स्टार्ट हो रहा है -1 पे खत्म हो रहा है। x बिलोंग्स टू -2 टू -1, -2 पे बिना कुछ चेक किए, क्योंकि -2 डिनोमिनेटर से है तो यहां पे तो ओपन करना है। -1 यहां पर क्योंकि इक्वल टू का साइन आया है इसलिए -1 पे क्या हो जाएगा, क्लोज यूनियन। दूसरा इंटरवल जिसमें प्लस साइन यूज हो रहा है वो ये इंटरवल है, ये वाला इंटरवल कहां से स्टार्ट हुआ है, 5/2 से, कहां पे खत्म हुआ, इंफिनिटी पे, इंफिनिटी पे तो ओपन। 5/2 क्योंकि यहां पर इक्वल टू का साइन है इसलिए 5/2 पे क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। तो फैक्टर्स अगर डिनोमिनेटर में आने स्टार्ट होंगे तो क्या चेंज होता है, वहां पर ये चेंज मिलेगा कि जब आप फाइनल सॉल्यूशन लिखेंगे तो जो x की वैल्यू डिनोमिनेटर के फैक्टर से मिलेंगी, जैसे यहां पर x की वैल्यू -2 जो है वो डिनोमिनेटर के फैक्टर से मिली, तो जो x की वैल्यू डिनोमिनेटर के फैक्टर से मिलेंगी वहां पर हमेशा ओपन होगा, चाहे इक्वल टू का साइन आए या फिर ना आए। तो ये हो जाएगा इस बार इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, x³ - 6x² + 11x - 6 / x + 5 < 0। अभी इससे पहले के जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे उन सभी में आपको लीनियर फैक्टर्स दिए गए थे, लीनियर फैक्टर्स जिसमें x की पावर 1 थी।
यहां पर आपके जो फैक्टर है ये वाला तो लीनियर है लेकिन यहां पर x की पावर 3 है। तो आपको जो भी एक्सप्रेशन दिया जाएगा या जो भी इक्वेशन दी जाएगी आप उसको जितना सॉल्व कर सकते हो उतना उसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के मतलब उसके जो भी मिनिमम से मिनिमम फैक्टर हो सकते हैं वो फैक्टर्स आपको करने पड़ेंगे। सबसे पहला काम आप यह है कि आप ये चेक करो कि जो हाईएस्ट पावर है उसके कोफिशिएंट पॉजिटिव है या नहीं है। तो देख सकते हो यहां पे हाईएस्ट पावर 1 है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहां पर हाईएस्ट पावर एक्स क्यूब है तो उसका भी कोफिशिएंट पॉजिटिव है, जबकि देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव है। एक्स स्क्वायर हमको देखना ही नहीं है, किसको देखना होता है केवल और केवल हाईएस्ट पावर। तो यहां पर आप हाईएस्ट पावर देख सकते हो पॉजिटिव है इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई करने की कोई नीड नहीं है। जो हमारी क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट है कि हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट पॉजिटिव होने चाहिए वो है। अब आपको इसके फैक्टर करने पड़े x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इसके फैक्टर करें। तो हम लोगों को क्यूबिक में मालूम है कैसे फैक्टर करते हैं, कोई x की वैल्यू पुट करके पहले चेक करते हैं। तो जैसे हम एक बार 0 चेक करेंगे, 0 नहीं सेटिस्फाई किया, फिर इसमें x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, put x equal to 1, 1 put किया जाएगा 1 minus 6 plus 11 minus 6 equal to 0 हो रहा है, इसका मतलब x equal to 1 इसको satisfy कर रहा है। x equal to 1 satisfy करेगा तो आप बोलोगे x minus 1 is a factor, इसको इधर ले आए। तो x equal to 1 अगर इसको satisfy करेगा तो इसको इधर ले आओगे तो x minus 1 हो जाएगा, तो आप बोलोगे x minus 1 इसका एक factor होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन में x माइनस 1 कॉमन लेंगे। अब देखो कैसे कॉमन लेंगे, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 को रीअरेंज करिए, ऐसा रीअरेंज करिए कि x माइनस 1 हमको इसमें एक कॉमन फैक्टर मिल जाए। देखो कैसे मिलेगा, x क्यूब है, x क्यूब के साथ अगर माइनस x स्क्वायर आ जाए तो आप देख सकते हो कि इन दोनों में x स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 1 आ जाएगा। लेकिन यहां पर टोटल देखो कितना माइनस 6x स्क्वायर है, तो माइनस x स्क्वायर अगर आपने यहां पे लिख लिया तो क्या लिखेंगे, माइनस 5x स्क्वायर, जिससे कि टोटल कितना हो जाए माइनस 6x स्क्वायर। माइनस 5x स्क्वायर के साथ आपको प्लस 5x लेना पड़ेगा, जिससे कि आप इन दोनों में माइनस 5x कॉमन ले लोगे तो x माइनस 1 यहां पर भी मिल जाएगा। फिर देखो जब आपने यहां पे प्लस 5x लिख दिया टोटल 11x है तो कितना बचेगा 6x और ये कितना है माइनस 6। फिर देख सकते हो इन दोनों में भी 6 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 1 आ जाएगा। तो यहां पर मैंने x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 हो गया, यहां पे माइनस 5x कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 हो गया, और यहां पे हमने प्लस 6 कॉमन ले लिया तो x माइनस 1। पूरे में हमने x माइनस 1 कॉमन ले लिया तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये तो क्वाड्रेटिक है, इसके फैक्टर आप बहुत इजीली कर लोगे, 6 है 2 इंटू 3, इसको माइनस 2x माइनस 3x कर लिया गया, x माइनस 1 इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। दूसरा आप लोग जो यूज कर सकते हैं कि x माइनस 1 से इस क्यूबिक को डिवाइड कर लेते हैं, x माइनस 1 से जब आप इस क्यूबिक को डिवाइड करोगे तो ये वाला फैक्टर आ जाएगा, फिर इसके फैक्टर कर लोगे। तो जो मेथड आपको अच्छा लगे, फैक्टर को कॉमन करके निकालना ये भी आप यूज कर सकते हो या फिर आप डिवाइड भी कर सकते हो। तो जब आप इसके फैक्टर कर लिए, इस क्यूबिक के फैक्टर हो गए, अब यहां पर वो फैक्टर्स पुट करो तो क्या आ जाएंगे, x माइनस 1 ये चेंज हो जाएगी, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 अपॉन x प्लस 5 लेस देन आर इक्वल टू 0। अब इसके बाद जो जो पॉइंट्स आ रहे हैं, कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं देखो जरा, एक पॉइंट आ रहा है माइनस 5 डिनोमिनेटर से है, ध्यान रखिएगा माइनस 5 पर कभी भी क्लोज नहीं होगा, माइनस 5 क्योंकि डिनोमिनेटर से आया तो यहां पे कभी भी क्लोज्ड इंटरवल यूज नहीं करेंगे, यानी स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं होगा, हमेशा कौन सा ब्रैकेट यूज होगा, स्मॉल ब्रैकेट। न्यूमरेटर से कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, 1 2 एंड 3, यहां पर दोनों ब्रैकेट यूज हो सकते हैं, क्लोज भी यूज हो सकता है ओपन भी यूज हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि यहां पर इनइक्वालिटी का कौन सा सिंबल यूज हुआ है। अब यहां पर राइट मोड से स्टार्ट करता हूं,
प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्या लेना है? लेस देन जीरो या ग्रेटर देन जीरो? लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मतलब निगेटिव की पॉजिटिव? निगेटिव। तो निगेटिव देखो कहां कहां पे है, एक इस इंटरवल में निगेटिव दिखाई दे रहा है, दूसरा इस इंटरवल में। तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस फाइव टू वन। माइनस फाइव पे देखो पहले हम यहाँ पे क्रॉस लगा लिए, इसलिए क्रॉस लगा लिए कि इसमें कभी भी हमें क्लोज इंटरवल यूज नहीं करना है, स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं करना है। तो माइनस फाइव पर तो ओपन कर दिया। वन के लिए चेक करो, यहां पर इक्वल टू का साइन है, इसलिए वन पे क्या हो जाएगा, क्लोज यूनियन। फिर देख रहे माइनस साइन यहां पर भी आया, ये इंटरवल कहां से स्टार्ट हो रहा है, टू से, कहां पे खत्म हो रहा है, थ्री पर। टू पे भी क्लोज और थ्री पे भी क्लोज, क्योंकि यहां पर इक्वल टू का साइन है। तो ये इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन हो गया। तो फैक्टर अगर रहेंगे तो अच्छी बात है, और नहीं रहेंगे तो फिर आपको उसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे। जैसे यहां पर एक क्यूबिक दी गई थी तो उसके फैक्टर्स हमने कर दिए। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन 0। जैसा कि हमने आप लोगों को बता रखा है कि सबसे पहला काम है कि हाईएस्ट पावर जो भी है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव रहना चाहिए। यहां पर आप देख सकते हो कि एक्स क्यूब है लेकिन उसका कोफिशिएंट निगेटिव है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहां पर निगेटिव है तो इसको पहले पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो एक माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, क्योंकि एक ही माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, इनइक्वालिटी चेंज ग्रेटर देन जीरो। अब जिससे जो मैक्सिमम फैक्टर हो सकते हैं फैक्टर कर लिए, तो इसमें देखो x कॉमन हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 3, और ये सिंपल सी क्वाड्रेटिक है, देख सकते हो कि 3 को हम 1 और 2 दो बार में ब्रेक कर लेंगे, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, x माइनस 1 इनटू x माइनस 2 ग्रेटर देन। यहां पर हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसमें हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज कर लें, तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे एक्स इंटू एक्स माइनस रूट 3 इंटू एक्स प्लस रूट 3 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब देखो इसके बाद कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, तो उनको उसी ऑर्डर में पुट कर लिया है। तो यहां से 0 आएगा, रूट 3 आएगा, माइनस रूट 3 आएगा, और यहां से 1 और 2 आएगा। तो सबसे छोटा पॉइंट कौन सा हो जा रहा है, माइनस रूट 3। उसके बाद कौन सा आ रहा है, 0। उसके बाद कौन सा आ रहा है, 1। उसके बाद कौन सा आ रहा है, रूट 3। और उस लास्ट में कौन सा आ रहा है, 2। देखो 1 और 2 दोनों डिनोमिनेटर से आए, तो इन दोनों पे तो कभी भी क्लोज इंटरवल होगा ही नहीं, क्लोज इंटरवल। बाकी जो पॉइंट्स होंगे वहां पे क्लोज और ओपन दोनों हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा इनइक्वालिटी के नेचर पर कि किस टाइप की इनइक्वालिटी यूज हुई है। चलो भाई राइट से कर ड्रॉ कर लो, ये इस तरीके से कर ड्रॉ हो गया। यहां पे प्लस, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, और यहां पे माइनस। ग्रेटर देन 0 कहा गया है, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव। तो देख लो एक प्लस साइन यहां पे यूज हुआ है, दूसरा प्लस साइन यहां पे यूज हुआ है, तीसरा प्लस साइन यहां पे। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, ये इंटरवल कहां से स्टार्ट हो रहा है, माइनस रूट 3 से, और कहां पे खत्म हो रहा है, 0। क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो कि इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होंगे, तो यहां पर भी ओपन और यहां पर भी ओपन। फिर आप दूसरा इंटरवल ये देख रहे हो, यूनियन 1 टू रूट 3, यहां भी प्लस है, 1 पर तो ओपन होना ही होना है क्योंकि डिनोमिनेटर से है, और रूट 3 पर भी ओपन होगा क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। यूनियन फिर देखो कहां पॉजिटिव है, इस वाले में, ये इंटरवल कहां से स्टार्ट हुआ, 2 से, कहां पे खत्म होगा, इंफिनिटी पे, इंफिनिटी पर तो ओपन होना ही है, 2 पर भी ओपन होगा क्योंकि 2 डिनोमिनेटर से। तो सॉल्यूशन हो गया x बिलोंग्स टू माइनस रूट 3 टू 0, यूनियन 1 टू रूट 3, यूनियन 2 टू इंफिनिटी।
मतलब ये हुआ कि इस इंटरवल से या फिर इस इंटरवल से या फिर इस इंटरवल से एक्स की अगर कोई वैल्यू लेते हो और उसको लाके आप यहाँ पे अगर पुट करोगे तो पुट करने पर इसका साइन हमेशा क्या मिलेगा, नेगेटिव, और इसका साइन क्या मिलेगा, पॉजिटिव। ये तो हमने इसको फर्दर सॉल्व करके फाइनली हम लोग इसको यहाँ पर इस फॉर्म में लेके आए थे। तो आप जब भी कोई एक्स की वैल्यू लोगे इस इंटरवल में, जो इंटरवल आपने लिया है, और उसको लाके यहाँ पे पुट करोगे इस वाले में, ओरिजिनल वाले में, तो हमेशा पुट करने पर वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव। तो ये इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हो गया। चलिए कुछ और प्रश्न सॉल्व करते हैं। हमें सॉल्व करना है 1/(2x-1)(3/(x-2)। देखो इसमें क्या है कि इनइक्वालिटी के इस साइड में भी कोई एक्सप्रेशन है और इस साइड में भी। आप हमेशा क्या करिए कि सारे एक्सप्रेशन को एक ही साइड रखिए। तो इसको इधर राइट हैंड साइड में ले आइए, तो इसको आप लिखोगे 1/(2x-1)-3/(x-2)(0)। क्रॉस मल्टीप्लाई मत करिएगा, ऐसा मत कर दीजिएगा कि इसको यहां भी मल्टीप्लाई कर दिए और इसको यहां भी मल्टीप्लाई कर दिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की कोशिश मत करिएगा। अभी आज की क्लास में आप ये मान के चलिए कि इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। बार बार मैं एक बात बोल रहा हूं कि इन जनरल, कहने का मतलब है कि जनरली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, वो केसेस हम आपको आगे बताएंगे। आज जो भी क्वेश्चन देंगे उन सब में वो सारे केसेस हम नहीं लेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी अभी इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मत करिएगा। तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया, क्या किया, ट्रांसफर किया। इस जो राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन था इसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करके ले आए। फिर यहां पर आप एलसीएम लीजिए 2x-1 × x-2, ये एलसीएम हो गया। तो ये आपको मिलेगा x-2 − 3 × 2x-1 = 0। अब इसको और आगे सॉल्व कर लो। तो यहां से x और यहां से −6x, तो कितना हो जाएगा −5x। यहां से आपको क्या मिल रहा है, −2, और यहां से आपको क्या मिल रहा है, +3। तो −2 + 3 कितना हो गया, +1। अपॉन डिनोमिनेटर में आपको मिला 2x-1 × x-2 > 0। फिर जैसा कि आपको बताया गया है कि जो हाईएस्ट पावर होगी उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव रखना है। यहां पर आप देख रहे हो इसका कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, और केवल एक ही फैक्टर है इसलिए एक माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यह आपको जाएगा 5x-1 माइनस से मल्टीप्लाई हुआ अपॉन 2x-1 × x-2, और इनइक्वालिटी रिवर्स <0। फिर आप यहां पे पॉइंट्स फाइंड कर लो, उनको पुट कर लो। तो कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, एक पॉइंट आपको मिलेगा 1/5, एक पॉइंट आपको मिलेगा 1/2, और एक पॉइंट आपको मिलेगा 2। तो सबसे छोटा पॉइंट क्या मिल रहा है, 1/5, उससे बड़ा पॉइंट कौन सा मिल रहा है, 1/2, और सबसे बड़ा पॉइंट क्या मिल रहा है। फिर जैसा आपको मालूम है कि राइट से कब ड्रॉ करना है, ड्रॉ कर दिया गया, साइन पुट कर लिया गया, प्लस माइनस लेस देन जीरो, मतलब जहां पे माइनस होना, माइनस देख सकते हो एक इंटरवल में है, दूसरा इस इंटरवल में। उसमें भी ध्यान रखिएगा कि 1 / 2 और 2, तो 1/2 और 2 ये दोनों पॉइंट डिनोमिनेटर से हैं, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट पर कभी भी इक्वल टू नहीं हो पाएगा, यानी क्लोज इंटरवल नहीं होगा। -1/5 जो है वो न्यूमरेटर से है, तो वो डिसाइड होगा कि यहां पर कौन सा सिंबल यूज हुआ है, क्योंकि यहां पर भी आप देख रहे हो कि इक्वल टू नहीं है, इसलिए 1/5 पर भी क्या है, ओपन। 1/2 और 2 पर तो ओपन होना ही था, 1/5 पर भी ओपन रहेगा, क्योंकि सिंबल में देख सकते हो कि इक्वल टू का साइन नहीं है।
तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा लेस देन जीरो में, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू वन बाई फाइव, माइनस इंफिनिटी पर ओपन, वन बाई फाइव पर भी ओपन होगा, यूनियन दूसरा इंटरवल कहां से है, वन बाई टू से, और कहां पे खत्म हो रहा है, टू पर, यूनियन वन बाई टू टू टू। तो ये इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हो गया, वन अपॉन टू एक्स माइनस वन ग्रेटर देन थ्री अपॉन एक्स माइनस टू। एक और सॉल्व कर लेते हैं, वन अपॉन एक्स माइनस फाइव, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन, वन अपॉन एक्स माइनस फाइव ग्रेटर देन आर इक्वल टू थ्री अपॉन फाइव एक्स माइनस टू। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें हमने इक्वल टू नहीं दिया था, इसमें इक्वल टू ले दिया। सेम काम नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गलती से भी नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इनइक्वालिटी में हमें यूज नहीं करना है, भूल जाओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे, एक साइड में लेके आओगे वन अपॉन एक्स माइनस फाइव माइनस थ्री अपॉन फाइव एक्स माइनस टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। फिर यहां पर हम लोग एलसीएम लेंगे, एक्स माइनस फाइव इंटू फाइव एक्स माइनस टू, ये हमने एलसीएम लिया तो ये हमको मिल जाएगा फाइव एक्स माइनस टू माइनस ऑफ थ्री इंटू एक्स माइनस फाइव ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स हो जाएगा टू एक्स, ये यहां से आपको मिलेगा माइनस टू, यहां से आपको मिलेगा प्लस फिफ्टीन, तो माइनस टू प्लस फिफ्टीन कितना हो जाएगा माइनस थर्टीन अपॉन एक्स माइनस फाइव इंटू फाइव एक्स माइनस टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। अब देखो यहां पे कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, एक पॉइंट आया थर्टीन बाई टू, थर्टीन बाई टू यानी सिक्स पॉइंट फाइव, दूसरा पॉइंट है फाइव और तीसरा पॉइंट है टू बाई फाइव, तो तीन पॉइंट आपको मिलेंगे, उसमें सबसे छोटा पॉइंट कौन सा हो जाएगा टू बाई फाइव, उससे बड़ा पॉइंट कौन सा हो जाएगा फाइव, और सबसे बड़ा पॉइंट कौन सा हो जाएगा थर्टीन बाई टू। जैसा कि आप देख रहे हो कि फाइव और टू बाई फाइव ये दोनों डिनोमिनेटर से पॉइंट्स मिले हैं, यानी इन दोनों पे कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं यूज होगा, इस पर हमेशा क्या यूज होगा ओपन। थर्टीन बाई टू न्यूमरेटर से है, उसको देखोगे तो वो डिसाइड होगा इस इनइक्वालिटी के सिंबल से, यहां पर इक्वल टू का साइन है इसलिए थर्टीन बाई टू पर क्या होगा क्लोज। ड्रॉ कर लो द राइट से, प्लस माइनस प्लस माइनस ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आप देख सकते हो कि इस इंटरवल में पॉजिटिव है और इस वाले इंटरवल में पॉजिटिव है, तो सॉल्यूशन हो जाएगा x बिलोंग्स टू टू अपॉन फाइव टू फाइव, टू बाई फाइव पर तो ओपन रखना ही है क्योंकि वो पॉइंट कहां से मिल रहा है हमको डिनोमिनेटर से, 5 पर भी ओपन रखना है क्योंकि ये वाला पॉइंट भी कहां से मिला है डिनोमिनेटर से, यूनियन फिर पॉजिटिव देखो कहां से 13 बाय 2 टू इनफिनिटी, 13 बाय 2 टू इनफिनिटी, इनफिनिटी पर ओपन 13 बाय 2 क्योंकि यहां पर जो सिंबल है उसमें इक्वल टू का साइन आ रहा है इसलिए 13 बाय 2 पे क्लोज। तो सॉल्यूशन हो जाएगा आपका x बिलोंग्स टू 2 बाय 5 टू 5 यूनियन 13 बाय 2 टू इनफिनिटी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी इसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, जब हम आपकी नेक्स्ट क्लास लेंगे तो उसमें इसी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।